जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसको लेकर आपके दिमाग में जरूर कभी ना कभी तो सवाल बना ही होगा, और वो टॉपिक है वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। कि साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, साइंटिस्ट बनने के लिए क्या एज लिमिट चाहिए, क्या हर कोई साइंटिस्ट बन सकता है, साइंटिस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, साइंटिस्ट को कितनी सैलरी मिलती है, साइंटिस्ट क्या क्या काम करता है। ओवरऑल मैं कहूँ तो वैज्ञानिक को लेकर आपके दिमाग में जो अलग अलग तरीके के सवाल बनते हैं, उन सभी सवालों का आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपके दिमाग में आज तक कभी ना कभी तो ये सवाल बना ही होगा कि काश मैं एक साइंटिस्ट बन पाता, काश मैं एक वैज्ञानिक बन पाऊँ। और स्पेशली जब आप कभी ने APJ अब्दुल कलाम सर का नाम सुना होगा, या कभी आप APJ अब्दुल कलाम सर की फ़ोटो देखते होंगे, तब तो ज़रूर आपके दिमाग में ये ऐसा होता होगा कि काश मैं भी एक इनकी तरह साइंटिस्ट बन पाऊँ, मैं भी काश इनकी तरह साइंटिस्ट बन पाता। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि साइंटिस्ट किस तरीके से बना जाता है, साइंटिस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसके ऊपर हम बिल्कुल फुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। साथ साथ हम यहाँ पर जो भी चर्चा करेंगे वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक होगी। ऐसा नहीं है कि चलो कहीं से डाटा उठा लिए, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक डाटाओं के बेस पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट को लेकर इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि साइंटिस्ट काम क्या करते हैं, दूसरा साइंटिस्ट किस तरीके से बना जाता है, साइंटिस्ट के लिए एज लिमिट क्या चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, साइंटिस्ट बनने के लिए 11th 12th में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, साइंटिस्ट को कितनी सैलरी मिलती है, क्या साइंटिस्टों को विदेशों में काम करने का मौका मिलता है। इस तरीके के आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन बनते हैं साइंटिस्ट को लेकर, उन सभी का आज यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात की जाए साइंटिस्ट के बारे में, तो साइंटिस्ट का सबसे मेन काम होता है रिसर्च करना। साइंटिस्ट का जो अपना मोस्टली टाइम होता है वो लैबों में जाता है, वो लैब में कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करते रहते हैं, लैबों में वो कुछ नया खोजने की, नई छानबीन करने की कोशिश करते रहते हैं। तो साइंटिस्टों का सबसे मेन काम होता है कुछ नया रिसर्च करना, जो फिलहाल में नई समस्याएँ आई हैं उन समस्त नई समस्याओं का समाधान करना। जैसे अभी कोरोना आया था, तो कोरोना एक बहुत बड़ी समस्या थी नई फिलहाल की, तो उस समस्या का समाधान साइंटिस्टों ने निकाला था। तो फिलहाल में जो भी नई समस्याएं आती हैं, हर एक समस्या का समाधान निकालने के लिए वैज्ञानिक दिन रात लैबों में लग जाते हैं और नया रिसर्च करते हैं, और फिर हमारे लिए उस नई समस्या का एक नया बहुत ही सटीक समाधान निकालते हैं। तो ओवरऑल जो साइंटिस्ट होते हैं उनका सबसे मेनली काम होता है कुछ नया एक्सप्लोर करना, कुछ नया रिसर्च करना, जो नई समस्याएं हैं उनका बहुत ही सटीक समाधान निकालना। अब हम बात करें कि साइंटिस्ट बनने के लिए एज लिमिट क्या चाहिए। सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि साइंटिस्ट बनने के लिए एज लिमिट क्या चाहिए। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा भी होगा कि साइंटिस्ट एक गवर्नमेंट जॉब नहीं होती। ध्यान रखना प्यारे साथियों, साइंटिस्ट एक गवर्नमेंट जॉब भी होती है, ठीक है। कुछ लिमिटेड कंपनी होती है, कुछ प्राइवेट कंपनी होती है जो भी साइंटिस्ट रखती हैं। तो साइंटिस्ट गवर्नमेंट जॉब भी होती है और साइंटिस्ट प्राइवेट जॉब भी होती है, ठीक है। जो गवर्नमेंट कंपनियां, जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं वहां पर भी साइंटिस्ट काम करते हैं, और जो प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट एजेंसियां हैं वहां पर भी साइंटिस्ट काम करते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट गवर्नमेंट जॉब भी होती है और प्राइवेट जॉब भी होती है। यहां पर हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट साइंटिस्ट बनने के लिए एज लिमिट क्या चाहिए। तो देखो, गवर्नमेंट साइंटिस्ट बनने के लिए एज चाहिए मिनिमम 21 साल से लेकर मैक्सिमम 36 साल तक की एज चाहिए। ये जनरल कैटेगरी की एज है, बाकी OBC SC ST को स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है। उसके बाद में यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए साइंटिस्ट के लिए, तो साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे पहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास MSc होना चाहिए, आपके पास MA होना चाहिए, आपके पास MCOM होना चाहिए, आपके पास MTech होना चाहिए, ठीक है। पहली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री में भी मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी एजेंसी या वैकेंसी निकालती है जब साइंटिस्ट की, तो उसमें स्पेशली लिख देते हैं कि मास्टर डिग्री में मिनिमम 60% होना चाहिए, ठीक है। आपके पास PhD होना चाहिए,
ठीक है, आपके पास जेआरएफ होना चाहिए या एसआरएफ होना चाहिए, जेट होना चाहिए या नेट होना चाहिए, ठीक है। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो एक साइंटिस्ट के लिए चाहिए। ये डिपेंड करता है उस एजेंसी के ऊपर कि वो क्या क्या डिमांड करता है, बाकी ये सारी सारी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। कई बार होता है कुछ एजेंसी पीएचडी नहीं मांगती, वो डायरेक्टली मांग लेती है कि मास्टर डिग्री वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एजेंसियां मांगती हैं कि भाई पीएचडी भी होनी चाहिए, कुछ एजेंसियां मान लेती हैं कि भाई जेआरएफ होना चाहिए, एसआरएफ होना चाहिए, गेट होना चाहिए, या कुछ एजेंसियां बोल देती हैं भाई मास्टर डिग्री और नेट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, उसमें मिनिमम आपकी 60% होनी चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए, जेआरएफ होना चाहिए, एसआरएफ होना चाहिए, जेट होना चाहिए। उसके बाद में यदि हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस भी उस इंस्टीट्यूट या उस एजेंसी के सिलेक्शन प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सिलेक्शन लेना चाहता है, ठीक है। कुछ एजेंसियाँ होती हैं जो डायरेक्टली इंटरव्यू के बेस पर साइंटिस्ट हायर करती हैं, कुछ एजेंसियां होती हैं जो एग्जाम करवा कर साइंटिस्ट हायर करती हैं, और कुछ एजेंसियां होती हैं जो रिसर्च एक्सपीरियंस के बेस पर करती हैं। जैसे आपने कहीं पर रिसर्च एक्सपीरियंस गेन कर लिया, कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकली किसी एजेंसी से, उसने कह दिया भाई 5 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो वो उनका इंटरव्यू ले लेते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली सिलेक्शन कर लेते हैं। अब उसके बाद में एक अलग अगला क्वेश्चन होता है कि यदि हमें साइंटिस्ट बनना है तो हमें 11th 12th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, ठीक है। यदि हमें साइंटिस्ट बनना है, यदि आपका सपना है साइंटिस्ट बनना, तो आपको 11th 12th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो प्यारे साथियों देखो, मैथ, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट बनते हैं, ठीक है। आर्ट्स का एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जिसमें भी साइंटिस्ट बनते हैं, बाकी आर्ट्स कॉमर्स के और दूसरे कोई सब्जेक्ट नहीं है जहां पर साइंटिस्ट बनते हैं, ठीक है। कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जहां पर साइंटिस्ट बनते हैं, बाकी आर्ट्स का ज्योग्राफी के अलावा कोई अदर सब्जेक्ट नहीं है जहां से साइंटिस्ट बनते हों, जहां पर साइंटिस्ट की नीड होती हो। बाकी मैथ, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें साइंटिस्ट बनते हैं, ठीक है। तो यदि आपका सपना है साइंटिस्ट बनना, तो आप 11th में सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से लेना कि आपके इनमें से कोई एक सब्जेक्ट इंक्लूड हो। अब उसके बाद में हम बात करते हैं सैलरी स्लिप के बारे में कि एक सरकारी साइंटिस्ट को कितनी सैलरी मिलती है। देखो, साइंटिस्ट की जो सैलरी होती है ना, बहुत ही शानदार वाली होती है। यहाँ पर जब मैं आपको सैलरी बताऊँगा साइंटिस्ट की, तो आपके अंदर एक बहुत ही गजब का मोटिवेशन आ जाएगा। आप सोचोगे कि यार, फेम भी, नाम भी, रेपुटेशन भी और सैलरी भी कितनी गजब की मिल रही है। देखो, साइंटिस्ट का जो पे लेवल होता है वो 13A होता है, ठीक है। 13A पे लेवल होता है, पे बैंड होता है 4th, जिसमें 37,400 से लेकर 67,000 तक होता है, ठीक है। ग्रेड पे होता है 8900 का ग्रेड पे होता है। पे मैट्रिक्स, जिसको हम बेसिक पे बोलते हैं, वो होता है 1,31,100 रुपये से लेकर 2,16,600 रुपये तक, ठीक है। इसके अलावा एक साइंटिस्ट को बेसिक पे के अलावा उसको डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, और उसके अलावा ढेर सारे अलाउंस मिलते हैं। तो ओवरऑल मैं यदि बताऊं, यदि कोई कैंडिडेट एक गवर्नमेंट साइंटिस्ट बनता है तो उसके पहले महीने की सैलरी लगभग 2,24,000 के आसपास होती है, पहले महीने की सैलरी, ठीक है। बहुत गजब का अमाउंट है ये। बहुत सारी नौकरियाँ, लगभग 90% से 95% नौकरियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर आप रिटायरमेंट तक इस अमाउंट तक नहीं पहुँच पाते, और यहीं पर साइंटिस्ट एक ऐसी पोस्ट होती है जहाँ पर आपको स्टार्टिंग में 2,24,000 के आसपास सैलरी मिलती है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर बात करें कि क्या किसी साइंटिस्ट को विदेशों में जाने का मौका मिलता है। बिल्कुल हाँ, यदि आप एक साइंटिस्ट हैं और आपने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आप किसी बहुत ही अच्छे फील्ड में काम कर रहे हो, तो विदेशी कंपनियों के आपके पास ऑफर आएंगे और वो आपको बहुत ही अच्छे खासे पैकेज में हायर करेंगे। तो यदि आप साइंटिस्ट हैं, आप बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं, एक अच्छे फील्ड में काम करते हैं, तो आपको एक बहुत ही अच्छे खासे पैकेज में विदेशी कंपनियां लेकर चली जाएंगी। तो ये है ओवरऑल साइंटिस्ट के बारे में सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चलते हैं, उनका जवाब। यदि अभी भी आपके दिमाग में साइंटिस्ट को लेकर कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आपको मोटिवेशन मिला हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी सारी जो भी जानकारियाँ थी वो आपको मिली हो, तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं हम अगले ऐसे ही शानदार वाले वीडियो के साथ।